हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी आर्ट स्टूडियो। मैं आर्किटेक्ट बबीता आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वास्तु फॉर मास्टर बेडरूम। कि आपके मास्टर बेडरूम का वास्तु किस तरीके से होना चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें और जितना हो सके अपना प्यार दें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हम अपने मास्टर बेडरूम को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने मास्टर बेडरूम को वास्तु के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो हमारे पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेडरूम हमारे घर का एक ऐसा प्लेस है जो प्राइवेसी और रिलैक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 1:2 से लेस या इक्वल होना चाहिए। अगर उसकी लेंथ 20 फीट है तो उसकी जो विड्थ आनी चाहिए वो आपकी 10 और 40 के बीच आनी चाहिए, कि जो 20 से डिवाइड हो जाए। जैसे 10 20 से डिवाइड हो रहा है और 20 40 से डिवाइड हो रहा है, तो इस रेशियो में हमारा बेडरूम का लेंथ और विड्थ होना चाहिए। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम, वो हमेशा घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आना चाहिए और वो किसी एक हेड का होना चाहिए, फैमिली ऑफ हेड। अगर कोई आपके घर का जो मुखिया है वो बेडरूम उसका होना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग इसको अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो किसी भी बेडरूम या किसी भी रूम से, घर में जितने भी आपके रूम होने चाहिए उनसे बड़ा होना चाहिए साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर आपका घर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो जो आपके घर का सबसे टॉप वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। अगर वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका बेडरूम डिजाइन हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है मास्टर बेडरूम के लिए। अगर अब हम देखते हैं कि अगर हमारे मास्टर बेडरूम में हमारे जो बेड की पोजीशन है, हम जिस बेड पे डेली आराम कर रहे हैं या डेली सो रहे हैं, उस बेड पे हमारे पैर की और सर की डायरेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए जो सही है और किस डायरेक्शन में होनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जो एक डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है वो है नॉर्थ की साइड। जो आपका नॉर्थ है वो आपके सर की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका जब आप सो रहे हो तो आपका जो सर है वो नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हो, आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है और आप हमेशा बीमार रह सकते हो। फैमिली के लोग जो भी उस बेडरूम को यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा बीमार रह सकते हैं। तो आप जितना अवॉइड हो सके तो बेड की पोजीशन को नॉर्थ की डायरेक्शन में ना रखें। देन उसके बाद ये हो गई हमारी स्लीपिंग की डायरेक्शन। अगर हम देखें बेडरूम के अंदर बेड को फिक्स कर रहे हैं वो किस किस जगह पे होना चाहिए जो सही है और किस जगह पे नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा कोई एक बेडरूम है रेक्टेंगुलर, अगर हम उसमें देखें तो हमारा जो बेड होना चाहिए वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। अगर आप बेड की पोजीशन को रख रहे हैं तो ये भी कोशिश करें कि जो आपका बेड है आपके बेडरूम के बीच में आए या आपके बेडरूम के बीच में उसकी पोजीशन हो। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा वास्तु है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मास्टर बेडरूम होता है वो मैरिड कपल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। जो आपका मास्टर बेडरूम के साथ टॉयलेट या बाथरूम अटैच्ड है वो हमेशा नॉर्थ और वेस्ट साइड में ही सुटेबल होता है। नॉर्थ या वेस्ट साइड में आपका बेडरूम से टॉयलेट अटैच। इसका जरूर ध्यान रखें कि जो आपका बेडरूम है उसमें जो आपका बेड है जस्ट बेड के सामने आपका बाथरूम का डोर ओपन नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो आपका टॉयलेट है उसके डोर को हमेशा क्लोज करके रखें। कुछ और टिप्स की बात करें तो जो हमारा मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस होना चाहिए वो हमेशा अच्छा माना जाता है कि अगर आपके ईस्ट पे या नॉर्थ पे या वेस्ट पे आपका बेडरूम का मेन डोर आ रहा है, और वो भी सिंगल डोर होना चाहिए। आपका जो डोर होना चाहिए वो डबल नहीं होना चाहिए, वो सिंगल डोर होना चाहिए ओपनेबल, तो वो वॉइस नहीं करना चाहिए। बहुत ही स्मूथली वो ओपन होना चाहिए, बहुत ही स्मूथली वो बंद होना चाहिए बिना किसी आवाज के। जितना हो सके उसको साउथ वॉल से अवॉइड करना चाहिए। जो विंडो के लिए जो वॉल होनी चाहिए वो ईस्ट या नॉर्थ साइड में हो। देन अगर हम इसके बाद नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो भी हमारे बेडरूम का हैवी वार्डरोब आता है या स्लैब आती है या अलमीरा आता है, सेल्फ आती है, जो भी हमारे बेडरूम की ये चीजें आती हैं, जो भी हैवी सामान है वो हमेशा साउथ वेस्ट के कॉर्नर में आना चाहिए। आपका जो मास्टर बेडरूम है उसका जो साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर है आपका हमेशा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेफ मोस्टली हम जो लॉकर या सेफ ऐसे अपने घर में देते हैं वो मास्टर बेडरूम में से हम उसको अवॉइड करें कि हमारे घर के मास्टर बेडरूम में हम सेफ को ना रखें। और दूसरा कि जो आपका ड्रेसिंग टेबल होता है, अगर आप अपने रूम के अंदर ड्रेसिंग टेबल को रख रहे हैं तो आपका जो मिरर होना चाहिए वो मिरर आपका कभी भी बेडरूम के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, आपके बेड के जस्ट सामने मिरर नहीं होना चाहिए।
और अगर हम अपने बेडरूम में टीवी, पीसी, लैपटॉप को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोस्टली हम टीवी को अपने बेडरूम में रिलैक्स होते हुए देखते हैं। टीवी, पीसी इन सब चीज़ों को बेडरूम में अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो इसको मोस्टली कोशिश करें कि साउथ ईस्ट के कॉर्नर में लगाएं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए साउथ ईस्ट का कॉर्नर बेस्ट माना जाता है। और जो भी नेगेटिव आपकी डायरेक्शंस हैं उसको अवॉइड करें, जैसे कि आपके घर में किसी भी मेंबर हेल्थ इशू या कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक बगुआ मिरर आता है जिसमें कि 8 तरीके के इंसुलेशन या एलिमेंट मान लो वो इंस्टॉल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, जिसकी कि आप इमेज देख रहे होंगे। तो इसको आप अपने घर के बाहर आउटसाइड पे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइड पे इसको हैंग कर सकते हैं, जो आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करता है। या आपके घर में कोई भी चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है तो आप वहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगी कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्लेस आपके जो घर में किचन है, स्टोर है, टॉयलेट है, इन सब चीज़ों का जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो किस किस तरीके से, इन्हें छोटी छोटी कौन सी टिप्स हैं जिसको आप अवॉइड करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।